हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप सारे ही स्टूडेंट्स ने IRMS की नोटिफिकेशन देख ली होगी, जिसको आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन हो चुके हैं। और ये बहुत ही बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है UPSC एस्पिरेंट्स को भी, बिकॉज अब उनके पास दो मौके हैं। एक वो UPSC CSE का एग्जाम दे सकते हैं, और साथ साथ अगर वो कॉमर्स ऑप्शन से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो यहाँ भी IRMS का फॉर्म भर सकते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है, ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आपने 20 दिन अपने वेस्ट कर दिए हैं, जो कि आपको टेक्निकली नहीं वेस्ट करने चाहिए थे। और अगर आप सोचते रह जाओगे कि यार नोटिफिकेशन जब आएगी, डिटेल नोटिफिकेशन आनी है जो, ठीक है, तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो सारा का सारा टाइम आपका निकल चुका होगा। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट द अर्लीएस्ट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारे पास क्वेरी आ रही थी, दैट्स हमने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चूज किया एज एन ऑप्शनल, विच इज वन ऑफ द ऑप्शनल प्रोवाइडेड फॉर IRMS एग्जाम, जिसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 30 वैकेंसी है, जो कि काफी सफिशियंट नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। तो उनके दिमाग में एक सवाल था कि सर, अगर हम तैयारी करने जाते हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिनके मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, ताकि हम उनको पहले तैयार कर सकें, बिकॉज द टाइम इज लेस और हम सारा का सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली दैट ऑफ UPSC CSE। तो हमने क्या किया, हमारी टीम ने क्या किया, हमने पिछले 5 सालों के पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज किया UPSC कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल को, और उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि अप्रॉक्सीमेट कौन से सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का वेटेज है या फिर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे होगा क्या, पहली चीज कि क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि पैटर्न को चेंज किया जाए। सो देयर इज अ हाई लाइकलीहुड कि जो भी पैटर्न फॉलो होता है UPSC CSE में, अप्रॉक्सीमेटली उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप IRMS के एग्जाम का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई भी सिलेबस छोड़ के जाना है या किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देना है, बट हैविंग अ ब्रॉड आइडिया अबाउट अप्रॉक्सीमेट वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स विल गिव यू सम काइंड ऑफ एन एज। तो उसको मैं पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है कि जो पेपर होता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, वो 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो पेपर वन जो होगा वो भी आपका 250 मार्क्स का होगा, और जो पेपर टू होगा वो भी आपका 250 मार्क्स का होगा, जो कि दो पेपर्स हैं आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के अंदर। तो मतलब 500 मार्क्स का हो गया, प्लस इसके सिवाय आपका 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो एक पर्सनैलिटी टेस्ट बेस्ड इंटरव्यू होता है। तो टेक्निकली 250 + 250 + 100 मार्क्स, दैट मीन्स 600 मार्क्स इन टोटल होंगे जिससे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो मेजर प्रोपोर्शन है वो आपके ऑप्शनल के दो पेपर हैं, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अगर आपने ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म कर लिया, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो आपने अपनी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया, काफी ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि भाई सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होगी, ठीक है, क्योंकि आप एस्पिरेंट है, आपने इतनी रिसर्च अपने एंड से कर ली होगी कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन के अंदर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक बार मैं सब्जेक्ट्स को नेम कर देता हूं। FA विच इज नथिंग बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज कॉस्टिंग विच इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज योर FM जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, फोर्थ इज ऑडिट, फिफ्थ इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे आप मार्केट्स के बारे में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। 6th सब्जेक्ट इज योर टैक्सेशन, जिसके अंदर मेजरली 5 हेड्स ऑफ टैक्सेशन आता है। पेपर टू जो है विच इज कंपैरेटिवली थ्योरी इन नेचर, ठीक है, पेपर वन ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा है उसमें। पेपर टू के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट है, HRM विच इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड द फोर्थ वन इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के अंदर डिटेल सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट इस वीडियो के लिए हमारा जो फोकस है वो मार्क्स वेटेज पे है। ठीक है, अब जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स का अप्रॉक्सीमेट वेटेज क्या है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये पिछले 5 साल के पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे है, जो हमने UPSC CSE के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का किया है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली जो मार्क्स का वेटेज है वो 50 to 70 मार्क्स है। मुझे लगता है कि ये काफी सफिशियंट अमाउंट ऑफ वेटेज है, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सिलेबस देखने जाओगे तो उसके अंदर आपको टॉपिक मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर आपको टॉपिक मिलेगा बायबैक ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इस तरीके के टॉपिक्स मिलेंगे जो बेसिकली आपने अपने 12th में बेसिक्स पढ़े हुए हैं, और थोड़े अच्छे लेवल की जो टॉपिक्स हैं वो आपने अपने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़े हुए हैं, अगर आपने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किया।
ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वेटेज है आपको इस सब्जेक्ट पे अच्छा खासा फोकस देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सब्जेक्ट। अगर मैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इसका जो अप्रोक्सीमेटली वेटेज रहा है वो 60-80 मार्क्स रहा है, अगेन वेरी वेरी हाई वेटेज। इसके अंदर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो जब स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करते हैं, स्पेशली लेट्स से अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमें तो न्यूमेरिकल आता है, तो हम इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि जो पास्ट ईयर ट्रेंड रहा है, जो इतनी स्टूडेंट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है, उससे हमें ये बात समझ में आई है कि ये जितने भी पेपर्स हैं, इवन दो दे आर प्रैक्टिकल, बट इसमें से प्रैक्टिकल और थ्योरी का इक्वल वेटेज है अप्रोक्सीमेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर 80 मार्क्स का वेटेज है कॉस्टिंग का, तो आप ये लगा के चलिए कि 40 से 50 मार्क्स के आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे और 30 से 40 मार्क्स के आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स लगा लिए और थ्योरी को आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए। अगर आप ये करोगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इस गलती से आपको बचना है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि बहुत क्लासिक सब्जेक्ट है, बिकॉज इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और जो इसका वेटेज है वो है 150 मार्क्स। तो इन एनी केस आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको आता हो नहीं आता हो, आपका स्ट्रांग हो आपका वीक हो, आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ के जाना है, बिकॉज इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, और कुछ छोटे छोटे फाइनेंस के टॉपिक हैं, रिस्क कैपिटल टाइप्स, ये आपको बहुत कॉन्क्रीट वे में पढ़ने हैं, बोथ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। तो 150 मार्क्स का वेटेज हो गया, तो आप समझ सकते हो कि अगर 250 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, और उसमें से 150 मार्क्स अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किए, तो ये कितना ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपको ये भी बता दूं कि अब काफी लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि सर इसका जो टोटल है ये तो 250 आएगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम जो है वो 400 मार्क्स का आता है, उसमें से 250 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आप 250 का टारगेट लेके जाओगे कि यार मैं 250 तैयारी करके जाता हूं, उसमें से 250 अटेम्प्ट कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप पूरे 400 मार्क्स की तैयारी करके जाओगे, तो आप जरूर 250 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे और उसमें से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस थोड़ा सा कम है, ठीक है, जिसको आप शार्पली अगर पढ़ना चाहो तो बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो, विच इज द टॉपिक ऑफ ऑडिटिंग। इसका 30 मार्क्स का वेटेज है, इसमें कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं ऑडिट के, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बट कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, बिल्कुल ब्रीफली आपको बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी जो है वो डिटेल में हम आपको बना के देंगे दूसरी वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ही चीज पे फोकस है, विच इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट के बारे में बात करें, विच इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, इसका जो वेटेज है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स। तो फाइनेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, भाई कैपिटल मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं और काफी अच्छी खासा वेटेज है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट है आपके पेपर वन की कैटेगरी के अंदर, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इसका जो वेटेज है ये 45 मार्क्स का, 45 मार्क्स का वेटेज है। थोड़े से न्यूमेरिकल इसमें ट्रिकी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ साथ थ्योरीज भी पढ़नी है, डिडक्शन वगैरह हो गई, इन सबको अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका वेटेज हो गया पेपर वन का सब्जेक्ट्स का। मैं आपको बता दूं कंपैरेटिवली पेपर वन ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बेसिक टिप ये होनी चाहिए कि अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो पहले आप इनको कवर करें, पेपर वन को कवर करें और अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आपको पेपर टू पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एट द इनिशियल स्टेज, बिकॉज जब हम इनिशियली किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो क्या होता है, हमारा मोराल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है या लो लेवल का होता है। जैसे जैसे हम तैयारी करते रहेंगे और अगर हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स उठाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं पेपर टू के अंदर। पेपर टू के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। यहां पे क्या होगा, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी आएंगी, बेसिक टॉपिक्स आएंगे बिजनेस मैनेजमेंट के, जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे टॉपिक्स आएंगे और इसका 100 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर आपकी बेसिक बिजनेस स्टडीज जो क्लास 12th में आपने पढ़ी थी अपने कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर, क्लास 12th के अंदर अगर वो आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो भाई ये सिलेबस डन है, आपको सिर्फ रिविजन करना। ठीक है, इसके साथ एक सब्जेक्ट है सेकेंड सब्जेक्ट विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहां पे आप बात करते हो पर्सनालिटी के बारे में, परसेप्शन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, इंटरपर्सनल बिहेवियर के बारे में, ओवरऑल
सिलेबस जो है वो थोड़ा सा लेंदी है बट डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप कॉम्प्रहेंसिवली सारी थ्योरीज को कवर करते जाओगे, मोटिवेशन थ्योरीज को कवर करते जाओगे, कंसेप्ट समझते जाओगे तो आप इसको भी कवर कर सकते हो, बट वेटेज अच्छा खासा है। 100 मार्क्स का ओटी का वेटेज है और 100 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वेटेज है। अब आता है पेपर टू का क्लासिक सब्जेक्ट विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका वेटेज जो है वो है 150 मार्क्स का। अगेन काफी लंबा सिलेबस है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन काफी लंबे इमर्जिंग इश्यूज जो है एचआर के वो भी इसमें आते हैं, बट वेटेज बहुत अच्छा है। अगर आप एग्जांपल्स दे पाते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे पाते हो तो यहां पे आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब्जेक्ट जो है वो 50 मार्क्स का आता है। इसके अंदर कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक्स हो गए, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया, ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा फैक्चुअल लर्निंग यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बात आती है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ सकता है, थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक जो है वो देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ब्रॉडली आपका क्लासिफिकेशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल फॉर योर IRMS एग्जाम। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको वेटेज बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि आप एक डिसीजन ले सको कि यार मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो मैं पहले ये उठा लेता हूं, अगर मेरा थ्योरी स्ट्रांग है तो मैं पहले ये सब्जेक्ट उठा लेता हूं। बट एक ब्रॉड आइडिया लगने से होता क्या है कि आप प्रायोरिटी दे पाओगे कि नहीं यार अगर मुझे पेपर वन की तैयारी करनी है तो मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा कोर रखना है, सबसे ज्यादा सेंटर में रखना है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, और अगर मैं पेपर टू की तैयारी कर रही हूं तो थोड़ा सा मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि मैं वहां से मार्क्स फेच आउट कर सकूं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कोई डाउट हो किसी चीज से भी रिलेटेड तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।